So hello and welcome back. I am Dr. Rahil Chaudhary, eye doctor, cataract and refractive surgeon. आज एक आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग केस दिखा रहा हूँ. पेशेंट का हम करीब 22-23 माइनस के चश्मे का नंबर ठीक कर रहे हैं RLE टेक्नोलॉजी से. एंड पेशेंट की आंख में जो लेंस की पावर हम डाल रहे हैं वो दोनों आंख में 0 नंबर की पावर डल रही है. पेशेंट की उम्र करीब 30-35 साल है. तो इन पेशेंट के लिए हमने ICL टेक्नोलॉजी क्यों नहीं चूज करी, RLE से क्यों हटा रहे हैं? देखिए, ICL के बारे में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर मुझे किसी पेशेंट को ICL टेक्नोलॉजी का फायदा देना है, ICL से चश्मा हटवाना है, तो पेशेंट की आंख में ICL डालने की जगह होनी जरूरी है और वो जगह होती है ACD एंटीरियर चेंबर डेप्थ, जो 2.8 मिलीमीटर से ऊपर होना चाहिए. तो जब हमने मोनालिसा का ACD चेक करा तो मोनालिसा का जो ACD आ रहा था वो 2.6 एंड 2.6 आ रहा था. तो इतने कम ACD में हम ICL से ऑपरेशन कर नहीं सकते, तो पेशेंट के लिए हमने RLE वाला ऑपरेशन चूज करा. तो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने पावर का लेंस आंख में डलना चाहिए जिससे चश्मे का नंबर 0 हो जाएगा. और इस तरह की एक शीट निकलती है. इस शीट में हम देख लेते हैं कि भैया कौन सी पावर से चश्मे का नंबर 0 हो रहा है और वो पावर हम पेशेंट के लिए सिलेक्ट करते हैं. तो अब ये कुछ मेरे पेशेंट्स के मन में कंफ्यूजन आती है कि डॉक्टर साहब नंबर तो हम 22 का ठीक कर रहे हैं, तो लेंस की पावर आंख में 0 कैसे डल रही है? तो ये ना थोड़ा सा आपको समझना है कि देखिए, जब हम ICL का ऑपरेशन करते हैं चश्मा हटाने का और जब हम RLE का करते हैं, तो दोनों ही लेंस वाले ऑपरेशंस हैं, दोनों ही चश्मा हटाने के ऑपरेशंस हैं, लेकिन ICL की कैलकुलेशन अलग करी जाती है. क्योंकि ICL में हम जो आपकी आंख में नेचुरल लेंस है उसको नहीं हटाते, लेकिन RLE में हम आपका नेचुरल लेंस हटा के उसकी जगह पर एक नया लेंस डालते हैं. जब हम RLE करते हैं तो पेशेंट को मेनली दूर का एडवांटेज देते हैं. तो घूमना फिरना, गाड़ी चलाना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, दूर के सारे काम तो बिना चश्मे के होते हैं, लेकिन जब भी पेशेंट को पास का पढ़ने का काम करना है तब प्लस 2 नंबर का चश्मा लगाना पड़ता है रीडिंग के लिए. लेकिन उसका एडवांटेज ये दे दिया कि दूर का चश्मा जो 22-23 का नंबर था, जो पेशेंट के लिए बहुत बड़ा हैंडीकैप बन रहा था रोजमर्रा की लाइफ में, वो हमने पेशेंट के लिए ठीक कर दिया. तो भी दिखाता हूँ ये ऑपरेशन हम लोग करते कैसे हैं. मेरा कल यहाँ पे RLE का सर्जरी हुआ था, तो सर्जरी के बाद ही मेरे को देखना स्टार्ट हो गया था. मतलब बिना चश्मा में मैं सब कुछ देख सकती थी. राइट, सो मोनालिसा का कल हमने RLE वाला ऑपरेशन करा है और जैसे मैंने आपको समझाया था कि जो लेंस का नंबर हमने आंख में डाला है वो 0 नंबर का लेंस है. तो आज मोनालिसा का फर्स्ट डे है. अभी आंख में सूजन भी है, अभी ऑपरेशन को 24 घंटे भी नहीं हुए. थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा पेशेंट कहां तक पढ़ पा रहा है. मोनालिसा पढ़ो एक बार ऊपर से नीचे तक. 5437040574320754235370025. वेरी गुड. फर्स्ट डे है आज और पेशेंट ऑलरेडी 95% विजन जो है उनका क्लियर हो चुका है. तो हम देख रहे हैं कि पेशेंट सेकेंड लास्ट लाइन तक ऑलरेडी पढ़ रहा है और अभी कुछ टाइम में जब सूजन वगैरह ख़त्म होगी तो विजन हमारी और क्लियर हो जाएगी. इसमें समझना हमने ये ज़रूरी है कि पेशेंट का हमने 22-23 का नंबर हटाया है और वो कल ऑपरेशन हुआ है और आज सिर्फ 24 घंटे अभी पूरे भी नहीं हुए. जब हम RLE से ऑपरेशन करते हैं तो RLE में पेशेंट की सिर्फ दूर की नज़र साफ होती है, पास के लिए थोड़ा सा चश्मा पहनना पड़ता है. तो अगर अभी मैं मोनालिसा को पास का पढ़ने के लिए बोलूं, सो अभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं पेशेंट को 1.5 या 2 नंबर का चश्मा पास के लिए दे दूं, तो पेशेंट पूरा पास का परफेक्टली पढ़ जाएगा. वेरियस कंडीशन
राइट। सो अब आप देख रहे हो कि अब पेशेंट लास्ट लाइन सबसे ऊपर वाला N6 तक भी पेशेंट कंफर्टेबली पढ़ पा रहे हैं। तो आज दूर की नज़र पेशेंट की ऑलमोस्ट 95% क्लियर हो गई है, 4-5 दिन में 100% क्लैरिटी आ जाएगी, और जब भी नियर का काम करना है तब थोड़ा सा चश्मा पहन लिया। तो सर्जरी के बाद मेरे को सबका फेस क्लियर दिखने लगा, तो मेरे को बहुत हाफी फील हुआ। एक्चुअली मेरे को स्विमिंग, जिम ये सब करना है, तो फिर अभी ये वो सब मैं कर सकती हूँ। डॉक्टर राहिल ने मेरा आँख पूरा ठीक कर दी, इसीलिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। थैंक यू डॉक्टर राहिल सर, और थैंक यू I7 हॉस्पिटल।